हैं, अपने बारे में बताएंगे। तो इस समय हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर रवीश राय। कहाँ से आए हैं आप? सर आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? सर उद्देश्य से मतलब यही आए हैं कि मतलब यहाँ बहुत अच्छा मतलब योगी जी का ये कार्यक्रम है। मतलब इससे पहले मतलब उतना बेहतर नहीं लगता था अयोध्या में जितना अब लगता है। मतलब दिया जलना, लोगों का आवागमन। तो जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, तो एक भाई साहब और हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या है। जी बताएं, नाम अपना बताएं भाई साहब। मेरा नाम सागर यादव है, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या आया हुआ हूँ श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ दीप जलाने के लिए। मैं सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब शाम हो और मैं दीप जला सकूँ, श्री राम के चरणों में अपना नमस्कार कर सकूँ। तो अभी तक आपने कितने दीपों में तेल डाला है? अभी तक मैंने 6 से 7 दीपों में तेल डाला है। बाकी यहाँ प्रशासन अपना काम कर रही है और मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था अयोध्या में की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रशासन। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं झुंझुनवाला के छात्र, आइए जानते हैं इनका परिचय क्या है। मेरा नाम आदर्श दुबे है, मैं बीकापुर अयोध्या का निवासी हूँ। मैं दूसरी बार दीप प्रज्वलित करने अपने कॉलेज की तरफ से यहाँ आया हूँ। अभी तक मैंने 500 कुछ दियों में तेल डाल चुका हूँ। मैं यही देख रहा हूँ जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है वो सचमुच एकदम से अद्भुत विचारणीय है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यवस्था यहाँ पर की है, माननीय देख रेख की है, जिस तरीके से यहाँ पर सजावट डेकोरेशन हो रही है, विश्व स्तरीय ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई है। पूरे विश्व में अयोध्या का नाम हो रहा है, वर्णन हो रहा है और मैंने ये भी देखा है कि विदेश से भी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हैं दीप जलाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो हम आपसे एक चीज़ और कि जिस प्रकार कोरोना काल में ही राम मंदिर का फैसला आया और कोरोना काल के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से यह फैसला आया और ये दीपावली मनाई जा रही है अयोध्या में, पूरे सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लगाई जा रही है। जो घाट नंबर हैं वो थोड़ा दूर दूर पे बनाए गए हैं, उनको जो वहाँ पर वॉलेंटियर हैं उनको वो पूरे से मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की ओर से, और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिनंदन सिंह है, मैं अयोध्या का हूँ, झुंझुनवाला महाविद्यालय से आया हूँ। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? और हम यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं, मतलब हमारे दोस्तों ने कहा कि वहाँ पे चलिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम वहाँ नहीं रहते, ये हमारा पहला दीपोत्सव है और आके हमको बहुत अच्छा लगा। आपको आने में कोई दिक्कत? नहीं सर, हम यहाँ पास में ही थे लेकिन अभी तक आ नहीं रहे थे, हम पहली बार आए हैं। प्रशासन की व्यवस्था आपको कैसी लगी? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, वैसे भी इतने आदमियों में इतना मुश्किल कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आदित्य तिवारी है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिया जलाया जा रहा है। लगभग 6 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क लगाया है और ऐसा लग रहा है मानो ये त्रेता युग की अयोध्या हो गई। यहाँ पर लोग, यहाँ के जो लोग हैं इतने प्रफुल्लित हो चुके हैं, मानिए कि त्रेता युग आ चुका है। जिस तरह से गत वर्षों से योगी, हमारी माननीय योगी जी व्यवस्था करवा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था जिस तरह से अब हो रहा है। गत 4 वर्षों से योगी जी ने अयोध्या की तकदीर बदल दी है। चारों तरफ जैसे लगता है कि खुशियां ही खुशियां आ चुकी हैं। यह हमारी त्रेता युग की अयोध्या हो गई है। मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से जी। तो आपने देखा यहाँ पर जिस प्रकार आए हुए छात्र, और जैसा कि महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन की इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कैमरामैन सिद्धांत श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र गौतम, इंडिया समाचार, अयोध्या।